नमस्कार, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंबर वन टुडे अपडेट के अंदर। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं, वो भी आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आधार केंद्र जाने की अब कोई झंझट नहीं है। तो ऐसे में आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि आप अपने घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अब कैसे लिंक कर सकते हैं। मात्र आपको इसमें 50 रुपये का चार्ज फीस देना होता है। अगर आप आधार केंद्र के माध्यम से अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 50 रुपये का चार्ज पे करना पड़ता है, और साथ ही आपको आधार केंद्र भी जाना होता है और वहां पे लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी सारी परेशानी को हम दूर कर देते हैं। आप घर बैठे ही आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, वो भी 50 रुपये के शुल्क में। तो आशा करूँगा ये मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी आने वाली ऐसी जानकारी सबसे पहले आप देख पाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पे आ जाने के बाद में सबसे पहले हमारे को एक वेबसाइट का जरूरत होता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से भी उसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप अपने गूगल क्रोम से उसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम सर्च करेंगे IPBP। जैसे हम इसको सर्च करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर जो वेबसाइट आएगी उसी वेबसाइट को आप पे उसके माध्यम से ही उसको कर सकते हैं। तो सीधा सा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं या आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो आएगा, यहाँ पे पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डाउट है कि क्या इस पर ऐसा हो सकता है कि अपने आधार कार्ड में हम मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। जी हाँ, आप सच्ची में इसके ऊपर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो करके देती है। आपके सामने ये पॉपअप दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल अपडेट नंबर इन योर आधार। तो आपके सामने यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा रहा है, एकदम रियली है। तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अंदर में और भी बहुत सारी जो है स्कीम है वो भी आपको देखने को मिलेगी। गेट आधार, यहाँ पर आप अपने बच्चों जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं आप उसके भी आधार कार्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी और भी जानकारी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ऑनलाइन अपडेट टू नेम डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एड्रेस इन आधार, मतलब कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस इन आधार कार्ड में आप चेंज कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो पोस्ट ऑफिस से पेमेंट बैंक के माध्यम से ये ऑप्शन या स्कीम आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, जो कि इसमें और भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट जो DBT सर्विस होता है उसका भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का भी इसमें दिया हुआ है। साथ ही हम नीचे चलेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो चार्ज होता है वो आप यहाँ पे शीन कर रहा है कि आपसे कितना इसमें चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे कि 50 रुपये इसमें चार्ज है। साथ ही नीचे आओगे तो इनरोल योर चाइल्ड फॉर आधार इन जस्ट 5 मिनट, मतलब कि आप अपने चाइल्ड जो आपका बच्चे हैं उनका भी आधार कार्ड यहाँ पे बना सकते हैं जो 5 साल की एज से कम है। यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। साथ ही हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, सीधा सा हम इस पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और नीचे आपको IPB के ऑप्शन कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो होएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल, आधार सीडिंग, फंड ट्रांसफर, इसके साथ ही मोबाइल ऑन जीमेल, अपडेट इन अकाउंट, इसके साथ में भीम UPI, बिल पेमेंट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं। आपको देखना है आधार मोबाइल अपडेट, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधा सा आपको इस पर टिक कर लेना है। इसको टिक कर लेने के बाद में आपको नीचे इस फॉर्म को फिल करना है। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, मिस्टर हो मिसेज हो सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे नीचे देखोगे यहाँ पे आपका नाम आपको दर्ज करना है,
नीचे आपको अपना लास्ट नेम दर्ज करना है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर डालोगे, नीचे आओगे आपको यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट डालना है, और यहाँ पे नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना होता है। सेम दोनों जगह पे सेम एड्रेस आपको फिल करना है, साथ ही आपको नीचे पिन कोड यहाँ पे डालने हैं। पिन कोड के बाद में आपको जैसे आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, आपका नियर बाई पोस्ट ऑफिस आपको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट ओन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे, आपको डायरेक्टली ये जो 5 डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको फिलअप आप करोगे तो नीचे आओगे, आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट डालेंगे और उसको इस आई एग्री को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे मोबाइल नंबर लिंक टू आधार कार्ड। जैसे हम इस रिक्वेस्ट को डालेंगे, आपको इसको एक्सेप्ट यहाँ पे इस ग्रीन टिक को कर देना है, और आपको एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने डिटेल सही भरी है या नहीं। तो अगर आप गलत भरते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार आप अवश्य इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में आप सीधा सा यहाँ पे नीचे की ओर आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, आप यहाँ पे कैप्चर कोड दिखाई दे रहा होगा, इस कैप्चर कोड को आप यहाँ पे दर्ज करोगे। तो हम यहाँ पे इसको दर्ज कर देते हैं। इसको दर्ज कर देने के बाद में सीधा सा आपको यहाँ से सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसको यहाँ से सबमिट करना होता है। तो एक बार आप इसको सही से देख ले, उसके बाद में आप अपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ से इसको सबमिट करते हैं, देन आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली वहाँ पे सबमिट कर दिया जाता है। जैसे आपका रिक्वेस्ट पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वहाँ पे सबमिट होता है, तो सीधा सा आपके जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस बैंक है वहाँ से एक पोस्टमैन आपके घर पे आएगा और आपके आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर सीधा सा लिंक करके आपको देगा, वो भी घर बैठे। आपको उसको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसा बताया गया है 50 रुपये सर्विस चार्ज है, वो आपको उसको देना है, इससे ज़्यादा आपको अधिक नहीं देना है। ओनली फॉर आपको 50 रुपये देना है, उसके माध्यम से ही आप अपने घर बैठे इसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको कहीं भी आधार केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही इसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ बनाता रहता हूँ। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर भी ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में और अगले नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।